जनपद अल्मोड़ा में आज जनपदीय क्रीड़ा समारोह का आयोजन शुरू हुआ, जिसमें जिले के सभी 11 ब्लॉकों से खेल प्रतिभाओं ने हिस्सा लिया। हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम में आयोजित जनपदीय क्रीड़ा समारोह में एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल समेत अन्य खेलों में खिलाड़ी अपना जौहर दिखाएंगे। बहरहाल खेल समारोह में पहुंचे विधायक मनोज तिवारी ने सरकार का पर खेल का बजट घटाने का आरोप लगाया है। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। आज ऐसे कई हमारी छात्र हैं, छात्राएं हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जिन्होंने विभिन्न हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम सबको गौरवान्वित होने का अवसर दिया है। तो मैं समझता हूं कि इन्हीं बच्चों में से भविष्य की संभावनाएं निकलेगी और हमें तराशने की आज आवश्यकता है। लेकिन आज एक दुर्भाग्य का विषय है कि जहां आज के समय में कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई भी खेल प्रतिभा होती है तो कार्यक्रम होता है, उसमें धन की आवश्यकता होती है और सरकार खेल विभाग या क्रीड़ा विभाग धन आवंटित करता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, पिछले बार की अपेक्षा इनमें इनके खेल के लिए जो धन आता था उसमें कटौती कर दी गई है। लेकिन सरकार को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और इन बच्चों के लिए जितना संभव हो सके खेल सुविधा के साथ साथ इनके रहने की सुविधा के साथ धन आवंटित करना चाहिए।